नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आई है जिसके अंदर चाइना का विरोध किया जा रहा था काफ़ी देशों के द्वारा लगातार, कि इसके लिए ह्यूमन राइट्स के सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा था कि किसी भी तरीके से जो चाइना का जो ये मुद्दा है एनेक्स करने का, पूरे के पूरे हांगकॉन्ग को हथियाने का, ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन राइट काउंसिल के सामने रखा जाए। लेकिन जब इस मुद्दे को उस काउंसिल के सामने रखा गया तो जहां पर पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद थी वो बिल्कुल ही नेगेटिव सिनेरियो में चला गया। जहां पर एक तरफ पॉजिटिव पक्ष में मात्र 27 देश थे, अपोजिट में विद्रोह के अंदर पूरे के पूरे 52 से 53 कंट्रीज ने चाइना के इस एनेक्स करने को, पूरी की पूरी जो हांगकांग के हथियाने की पॉलिसी को, एकदम सही ठहराया है, चाइना का सपोर्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल साइन करके हांगकांग का जो एनेक्स करने का प्रोसेस था उसको एक्सेप्ट किया। साइन करने के बाद इस मीटिंग के अंदर अपनी मंजूरी भेज दी कि उन्होंने जो चाइना ने किया वो बिल्कुल सही है किया। अब ये क्या मुद्दा है, ऐसा क्यों हुआ कि जहां पर पूरा का पूरा वर्ल्ड एक तरफ से कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से और काफी सारी समस्याओं की वजह से चाइना की दमनकारी नीतियों की वजह से चाइना का विरोध कर रहा था, और अब एकदम से पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई जिसमें उन्होंने चाइना का सपोर्ट करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो 22 से 27 कंट्री से जिन्होंने इसका अपोज कर रखा था एकदम नेगेटिव ही पलट कर रख दिया। तो क्या ये पूरी स्टोरी, जानते हैं, चलिए हमारे साथ में। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती जाएं, और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए यूपीएससी एग्जाम से रिलेट, सीट पीसीएस से रिलेट, आप एग्जाम की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन सिलेबसेज अवेलेबल हैं, यदि आप चाहें तो उसे भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि असल में पहली खबर क्या है। इस खबर को दो पहलुओं में रखा जाएगा। पहला वो पहलू रखा गया जिसमें सभी कंट्रीज ने राइटिंग में दिया कि भाई हम चाइना के सपोर्ट में हैं। दूसरी ऐसी ही एक न्यूज आई जिसमें चाइना के अगेंस्ट खड़े होने वाले 22 कंट्रीज का पक्ष रखा गया। तो सबसे पहला 53 कंट्रीज के बिहाफ पर, 53 कंट्रीज के बिहाफ पर क्यूबा में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। 44th सेशन था ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल का, ह्यूमन राइट काउंसिल का, जो जिनेवा में हुआ 22 ट्यूजडे को। ट्यूजडे को इन्होंने जब सारे 53 कंट्रीज ने चाइना के सिक्योरिटी लॉज और धीरे धीरे जो हांगकांग पर एनेक्स किया जा रहा है उसमें अपना बेसिकली कंसर्न दिया, इन्होंने बोला कि हम उसकी सपोर्ट में हैं, किसी भी प्रकार से हम उसका विरोध नहीं कर सकते। जब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्यूबा ने इसे पढ़ा तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था नॉट इंटरफेयरिंग विद अ सॉवरीजन स्टेट इंटरनल अफेयर। क्लियर बोला गया कि ये चाइना का इंटरनल मुद्दा है, इसमें किसी बाह्य कंट्री को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स का कोई रोल नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो हांगकांग के अंदर है ये उसको ताकत देगा हांगकांग का, हांगकांग के विरोध में या विद्रोह में ये किसी भी प्रकार से नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन राइट, शुड नॉट बी डिस्कस्ड, इसमें उन्होंने हिदायत भी दी कि ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं है तो यहां पर ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर इसे नहीं डिस्कस किया जाना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम के जो एम्बेसडर्स हैं WTO टू द WTO एंड यूनियन यूनाइटेड नेशन इन जेनेवा जूलियन ब्रेथरेट, इन्होंने इस डिलीवर स्पीच को डिलीवर किया। हालांकि इसके अंदर उन्होंने 27 देशों की जो सेम डे स्टेटमेंट थी उनको भी उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने बताया कि क्या असलियत में मुद्दा है। एम्बेसडर अर्ग डिजाइट, उन्होंने क्लियर बोला कि ये जो मुद्दा है ये उनके बेसिकली अधिकारों को बनाए रखने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन से उन्होंने काफ़ी सारी फ्रीडम को इंजॉय किया है लेकिन अब उन्हें चाइना के कंट्रोल में आकर के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी और इसमें से किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों को छीना नहीं गया है। जबकि जो उनका नेशनल सिक्योरिटी लॉ था, चाइना का जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना था उसके आधार पर उनका झंडा बदल चुका है, झंडे के साथ साथ उनके जो बेसिकली उनका जो नेशनल एंथम है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे चाइना के सारे रूल यहां पर अप्लाई होंगे। ये पहली बार नहीं हुआ था, ये बहुत बार पहले भी हो चुका है, तो इतिहास दो मिनट बाद बताऊंगा।
क्यूबन रिप्रेजेंटेटिव ने स्ट्रेस देकर बोला कि ये एक देश का खुद का अधिकार है कि अपने देश की जो बेसिकली अपनी देश की सुरक्षा करना और उसके हितों के लिए लड़ाई लड़ना और हितों को बनाए रखने की कोशिश करना। हालांकि उन्होंने इस बात को भी और दबाव देकर बोला कि चाइना ने खुद ही एक्सेप्ट किया था वन नेशन टू सिस्टम का, वन कंट्री टू सिस्टम का प्रिंसिपल, लेकिन जो अब सिस्टम बनाया जा रहा वो भी बेनिफिशियल है, उसके अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। यहां पर जो लगभग पूरे 53 देशों की लिस्ट थी उसमें से मैंने काफी सारे कंट्रीज जो है लिख दिए हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो काफी लंबे अरसे से चाइना की सपोर्ट में है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इनमें से ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी चाइना से किसी ना किसी प्रकार का कर्ज लेकर बैठे हुए हैं और चाइना के अंडर प्रेशर के अंदर हैं। चाइना ऑलरेडी इनके साथ में रिलेशंस जो हैं अंडर प्रेशर अपनी बातों को मनवा भी सकता है क्योंकि उनकी ऑलरेडी पोर्ट्स के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। दूसरी चीज, कोरोना वायरस के दौरान ये सारे कंट्रीज किसी भी तरीके से लोन की ईएमआईज को पे करने में सक्षम नहीं थे। मैक्सिमम कंट्रीज जिसमें वो हैं जो लोन की जो ईएमआईज हैं यानी कि जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो इंटरेस्ट है उनको पे करने में सक्षम नहीं थे। यही एक कारण भी हो सकता है कहीं ना कहीं जिससे चाइना का इन्होंने सपोर्ट किया और अपोजिट में इसकी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि अभी दो महीने पहले काफी सारे कंट्रीज ने लगभग एक डेढ़ महीने पहले काफी सारे कंट्रीज ने चाइना के आगे डिमांड रखी थी कि उनके जो लोन है या तो माफ कर दिए जाएं या उनकी तब तक की जो इनकी इंटरेस्ट रेट की पॉलिसीज है उनको छोड़ा जाए। तो यह भी एक रीजन हो सकता है कि आपस में कौन सी पॉलिसीज बना दी जाएं उनको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हांगकांग की सपोर्ट के लिए यहां पर 53 देशों में से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल के बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, तजाकिस्तान, लाओस, कंबोडिया, वेनेजुएला, इजिप्ट, बुर्किना फासो, ओमान, नॉर्थ कोरिया, नाइजीरिया, कांगो, सूडान, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में लगभग मैक्सिमम कंट्रीज आ रहे हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज आ रहे हैं। तो बेसिक सेक्शन की बात की जाए तो इन 53 कंट्रीज ने फाइनली लिखकर दे दिया है कि ये हांगकांग पर एनेक्स करना या हांगकांग के नए सिक्योरिटी लॉज लागू करना किसी भी तरीके से कोई भी क्या नहीं है, कोई इलीगल नहीं है। अब यहां पर वोटिंग के दौरान जब 53 देशों ने अपनी कंसर्न दिखाई है तो यहां पर मैटर बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, यानी कि अब यहां पर अगेंस्ट खड़े होने वाले कंट्रीज का कोई भी मेन कंसर्न नहीं रह जाता, और चाइना अब अपनी मनमानी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आ जाता है यहां पर दूसरी तरफ 27 कंट्रीज ने बोला कि चाइना को हर कंडीशन पर हांगकांग की सिक्योरिटी लॉज को दोबारा कंसीडर करना पड़ेगा। इन कंट्रीज के नाम है जिन्होंने इस तरीके से बोला है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये बेसिकली यहां पर जिनेवा की मीटिंग में प्रेजेंट थे जिन्होंने इस तरीके से अपने बातों को रखा। इस काउंसिल के अंदर उन्होंने अपनी डीप ग्रोइंग कंसर्न दिखाई कि कहीं ना कहीं ये अपनी उन पॉलिसीज का विरोध कर रहा है जो 1907 के अंदर हांगकांग की पॉलिसी, जब हांगकांग को हैंडओवर किया जा रहा था तो 50 साल के लिए ऑटोनॉमस बॉडी का अधिकार दिया गया था और वो ऑटोनॉमस बॉडी का अधिकार चाइना जो है 2003 में भी कर चुका है, 2003 के बाद 19 में भी कर चुका है और बीच में एक दो बार और कर चुका है। तो मतलब बार बार प्रयास किए जा रहे थे हांगकांग को एनेक्स करने के लिए। तो यहां पर वन नेशन टू सिस्टम की थ्योरी को जो चाइना ने ऑटोनॉमस डिग्री से हटाकर अब अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो इस पक्ष में बहुत सारे कंट्रीज जो हांगकांग की रिक्वेस्ट के आधार पर, ये जो न्यूज में बता रहा हूं ये हांगकांग की न्यूज है इस समय, तो हांगकांग की सपोर्ट करने के लिए ये सारे के सारे देश आए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और 15 यूनाइटेड जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी, नेदरलैंड और स्वीडन भी, इन सभी ने अपनी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से इसका मुद्दा हटाया जाए। ये मुद्दा आज से पहले एक बार पहले भी उठ चुका है, 2019 15 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 15 जुलाई 2019 को ये मुद्दा एक बार पहले भी बहुत ज्यादा भारी मात्रा में न्यूज में आया था जब ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था दो ब्लॉक्स में बट गया था। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे कोल्ड वॉर की शुरुआत को कह सकते हैं जिसके अंदर सारे के सारे कंट्रीज एक दूसरे के विरोध में है और सपोर्ट में नहीं है, जिसमें चाइना को धीरे धीरे ताकत के नाम पर सपोर्ट ज्यादा मिलता जा रहा है। ये पहली जो 15 जुलाई 2019 की जो न्यूज़ थी इसमें उगर मुस्लिम्स के लिए और माइनॉरिटीज़ पर होने वाली जातियों को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग पहले भी बुलाई जा चुकी है, जिसके अंदर से जो चाइना है बुरी तरीके से उनका
एक तरीके से समाप्ति करता जा रहा है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। लेकिन उस समय भी यहां पर यही हुआ था, उनके सेफ गार्ड के लिए कंट्रीज आए और कोई बेनिफिट नहीं पाए। अब असलियत में ये 2019 और 20 का मुद्दा है क्या? 19 और 20 के मुद्दे की अगर बात की जाए तो चाइना ने बेसिक लॉ यानी कि जो उस समय में चाइना ने हांगकांग को अपने कंट्रोल में नहीं ऑटोनोमस बनाने का अधिकार दिया था, ऑटोनोमस बनाने के नाम पर उस लॉज को बोला गया था बेसिक लॉज। बेसिक लॉज के आधार पर सीनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था। इस डिक्लेरेशन के अंदर 1997 से 50 सालों तक 1997 से 50 सालों तक यहां पर चाइना जो है हांगकांग को ऑटोनोमस बॉडी की तरह रखेगा, जहां पर उसका एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन अलग से होगा और सभी प्रकार के जुडिशरी गवर्नेंस के सारी चीजों के अधिकार उनके डिफरेंट होंगे चाइना से। लेकिन चाइना ने इन बेसिक लॉज के अंदर इंप्रूवमेंट करा और अपने अनुसार इंप्रूवमेंट करा, जिसके अंदर हांगकांग की कोई सिटिंग नहीं हुई, कोई इनकी ऑब्जर्वेशन नहीं ली, उनकी कोई भी बेसिक क्वालिटी नहीं सुनी, उनकी कंडीशन नहीं सुनी, उनकी डिमांड नहीं सुनी और अपने लॉज को थोपने का प्रयास किया। इस प्रयास के अंदर 2013 में जब ये प्रयास हुआ था तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लाखों लोग रोड पर उतरे थे और चाइना का बुरी तरह विरोध किया था। फिर 2014 के अंदर लगभग यही स्थिति आई, जिसके अंदर अम्ब्रेला रेवोल्यूशन चलाया गया। अम्ब्रेला रेवोल्यूशन जो चलाया गया था उस समय भी बहुत भारी मात्रा में लोग उठकर आए और चाइना को वापस जाना पड़ा। जब चाइना वापस भी हो गया उसके लंबे समय तक ये अम्ब्रेला रेवोल्यूशन चला था। लेकिन इस बार जब 2019 का नियम आया तो लास्ट टाइम चाइना ने अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करने के बाद अपने एक्सट्रेडिशन लॉज को लाने का प्रयास किया। एक्सट्रेडिशन लॉज यानी कि जबरदस्ती उस पर कंट्रोल करने का और बाकी चीजों पर अपना धीरे धीरे अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब जब 2020 आया, सब पूरा का पूरा देश जो था फंसा हुआ है कोरोना वायरस की परिस्थिति के अंदर, सबको पता है कि कोई किसी की सपोर्ट लेने नहीं आएगा। उस परिस्थिति के अंदर हांगकांग के अंदर इन्होंने जबरदस्ती 2020 के अंदर एक नया लॉ पास दिया। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत चतुराई दिखाई। चतुराई क्या? इन्होंने पिछली बार जब 2019 का प्रोटेस्ट हुआ था तो उस प्रोटेस्ट के बाद में इन्होंने नोटिस किया कि कौन-कौन से वे मुख्य लीडर्स हैं जो उकसाएंगे, जो बेसिकली विरोध करेंगे और जिनके पीछे जनता भारी मात्रा में रोड पर उतर कर आएगी। तो उन सभी लोगों को इस नियम को लागू करने से पहले ही क्या किया? उठाकर बैन कर दिया, उठाकर उनको अरेस्ट कर लिया, बंद कर दिया। इसके अंदर जब सारे के सारे वो जो मेन लीडर्स से बंद कर दिए गए तो उनको रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं था। दूसरी बात, इस बार इन्होंने क्या किया, फोर्सेस की सपोर्ट ली और फोर्सेस रोड पर बिल्कुल नॉर्मल इस तरीके से घूम रही थी कि जरा सी कोई प्रॉब्लम हो तो बुरी तरीके से उनको पकड़कर बंद कर दिया जाए और उनको तोड़ दिया जाए। इस परिस्थिति के अंदर बहुत बुरी तरीके से हांगकांग को इन्होंने कंट्रोल कर दिया। जो नया सिक्योरिटी लॉ है उसके अनुसार का मानना है कि उनके सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और चाइना की तरह अब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी अधिकार नहीं है, जिसमें वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब अगर अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है अभी नेशनल एंथम को भी फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी नियम बना दिया कि यदि कोई भी चाइना की रूल्स और पॉलिसीज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देगा तो उस पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरीके की जब सारी पॉलिसीज बना दी गई तो एक तरीके से उनके बेसिक लॉ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। और इस समय जो हांगकांग के पास है कोई साधन नहीं बचता सिवाय एक चीज के, और वो है चाइना की सारी पॉलिसीज को लागू होने के बाद यानी उनको एक्सेप्ट करने के बाद। इस बीच में अदर कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का विद्रोह कर सकते हैं, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हांगकांग की सपोर्ट में अभी उनके पास और कोई रास्ते पेंडिंग नहीं है। अब अगर बात की जाए तो ये न्यूज हमने काफी ज्यादा सर्च करी कि क्या ये पहली बार हुआ है, तो ये पहली बार नहीं हुआ। इससे रिलेटेड सैकड़ों न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने एक स्पेशल न्यूज़पेपर में सर्च किया तो हमें पता चला ये डिप्लोमेट का न्यूज़ है। ये डिप्लोमेट का न्यूज़ है 2019 15 जुलाई को कैथरीन पुड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था चाइना पावर को दिखाने के लिए। इसमें भी क्लियर बोला गया था कि कौन से कंट्री चाइना का सपोर्ट करेंगे और कौन से कंट्री चाइना के अगेंस्ट खड़े होंगे। ये बेसिकली डिमांड की गई थी। यहां पर भी 22 नेशंस ने, देख लीजिए
जैसे 22 नेशंस ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर यूनाइटेड नेशन की हाई कमिश्नर की सपोर्ट लेने के लिए रिप्रेजेंट किया था कि वहां पर चाइना जो है शिंजियांग के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वहां के यूगर मुस्लिम्स को मारने का प्रयास कर रहा है, बार बार जो उल्टी सीधी पॉलिसीज हैं उसे बनाकर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। जब 22 कंट्री ने साइन किया लेटर, तो साइन करने के बाद 37 कंट्रीज ने चाइना का डिफेंस किया। चाइना का डिफेंस किया इस 41 सेशन के अंदर, यहां पर भी यही पॉलिसी, यही पॉइंट क्रिएट किया गया। अब इस पॉइंट के अंदर धीरे धीरे नोटिस किया जा रहा है कि जो चाइना इस समय अपनी पॉलिसीज के अंदर सिस्टम को चला रहा है, उस पॉलिसीज के आधार पर उसका अपोज करने के लिए इस समय सामने अगेंस्ट में कोई कंट्री नहीं है। अब इस पॉलिसी के आधार पर वहां के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच से बाहर कर दिया गया। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि चाइना ने उगर मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा सख्ती कर रखी है। उगर मुस्लिम्स का अगर इतिहास पढ़ा जाए चाइना के अंदर, तो बहुत सारे उगर मुस्लिम्स जो हैं यहां से चाइना से गायब हो चुके हैं, जिनके पास चाइना की नागरिकता तो थी लेकिन उसके बावजूद उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार होने की वजह से, उनके परिवारों पर अत्याचार होने की वजह से, प्लस वहां की आर्मी के द्वारा इनकी लेडीज का रेप करना, इनकी दाढ़ियों को उड़वा देना, टोपियों को उड़वा देना, रोड कहीं भी नमाज ना पढ़ने देना, लाउडस्पीकर्स का अवॉइड करना, बहुत सारे सख्त प्रावधान बना दिए जिनसे इनका वहां रहना मुश्किल हो गया। तो इनकी सपोर्ट में इन 22 कंट्रीज ने लेटर लिखा था, लेकिन 22 कंट्रीज के लेटर्स के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाया और ये सब फेल हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर साइन करने वाले वो कौन से कंट्रीज है जिन्होंने चाइना का सपोर्ट किया, तो हाईलाइट करके दिख रहा होगा अल्जीरिया, अंगोला, बहरीन, बेलारूस, बोलाविया, बुर्कान फासो, बुरंडी, कंबोडिया, कैमरून, कॉमोरस, कॉन्गो, ये सारे वो कंट्रीज है जिन्होंने सपोर्ट किया। जैसे कि देख सकते हैं इसके अगेंस्ट में जो कंट्रीज खड़े थे, ये कंट्रीज कौन से थे, फ्रांस, एस्टोनिया, डेनमार्क, बेल्जियम, कनाडा, ये सारे वो कंट्री थे, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, ये वो कंट्री थे जो इस अगेंस्ट में थे। अब आ जाती है बात, ये दोनों आपस में उस समय से ही वर्ल्ड में ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हुए हैं चाइना के इशू को लेकर। इसमें बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जैसे जिनकी खुद की कोई कंसर्न नहीं थी इस चीज को लेकर, जैसे कि यहां पे लास्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग में देख सकते हैं, एशिया में एब्सेंस थी मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, जो बेसिकली कोई भी अपनी सपोर्ट नहीं दे रहे थे। याद रखिएगा उस समय के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, ये सारे के सारे कंट्रीज अपने आप को इस रिपोर्ट से दूर रख रहे थे, उगर मुस्लिम्स के लिए कोई अपना क्लियर स्टांस नहीं ले रहे थे। लेकिन अब इंडिया को छोड़कर लगभग सभी कंट्रीज ने अपना स्टांस लिया। स्टांस लेने के बाद सभी कंट्रीज ने चाइना की विन विन पॉलिसी करा दी और चाइना को एक तरीके से ये एहसास करा दिया कि तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ पावर के रूप में सामने आ चुके हो और अब तुम्हारा विद्रोह नहीं हो सकता। रीजन सिंपल है, इसके अंदर आधे कंट्रीज का, फिर से बोल रहा हूं, डेप्थ ट्रैप में फंसे होना, कर्ज के बेसिकली जंजाल में फंसे होना, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है और जो कमजोर देश है, छोटे देश है, वो इस समय फुल ऑन चाइना की जो अपनी मजबूरी के अंदर चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।